कानपुर में सबसे बड़ा मंदिर पनकी धाम, इससे बड़ा हनुमान जी का कोई मंदिर नहीं। आंखें वो दब जाती है श्रृंगार की वजह से, जो परत है सिल्वर का वर्क वो दबा देता है, लिहाजा वो नजर नहीं आता है प्रॉपर पंचमुख। संतों की पीढ़ियों के हिसाब से तो लगता है कि 600-700 साल पुराना है। अच्छा, एक मुख अंदर है मुकुट के नीचे, पंखी का अद्भुत शिखर भव्य शिखर। तो ये भुजाएं हैं जिन पे आप सिल्वर। हाँ, भुजाएं। तो सुबह बाल स्वरूप रहता है, फिर दोपहर में अबीर स्वरूप होता है, फिर वृद्ध स्वरूप होता है, शाम को वृद्धावस्था। वृद्धावस्था ऐसा अनुभव किया जा सकता है। अंधेरे के आगे रास्ता होगा, हनुमान जी से जिसका वास्ता होगा। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। मैं हूँ उस समय पनकी में और पनकी जो पूरा इलाका है वो पनकी वाले बाबा की वजह से जाना जाता है, यानी कि हनुमान जी। और हनुमान जी का जो मंदिर है वो इसलिए मशहूर है क्योंकि पंचमुखी मूर्ति है, पांच मुखों वाली मूर्ति है, लेकिन दिखता केवल एक स्वरूप है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके स्वरूप बाकी छुपे हुए हैं, एक मुकुट के पीछे, एक मुकुट में और एक लेफ्ट में, एक राइट में और एक फ्रंट वाला, पांच मुख। आज का सफर और आज की नजर पनकी के पवित्र पंचमुखी हनुमान मंदिर से। मंदिर खुलता है मंगलवार को 4 बजे और शनिवार को 5 बजे। आरती यहाँ होती है, सुबह 5 बजे हो जाती है मंगलवार को, रात को 11 बजे होती है आरती मंगलवार को, दिन में 4-5 बजे होती है और दिन में होती है फिर 9 बजे होती है सुबह और रात में होती है 11 बजे बंद होने के समय। क्या चलता है हनुमान जी को जरा बता दो। यहाँ पे लड्डू और तुलसी की माला ज्यादा ही महत्वपूर्ण होती है। संत लोग एक बार जो है विचार हुआ कि हम चित्रकूट चलें, तो वो पदयात्रा करते हुए चित्रकूट गए। चित्रकूट में प्रमोद वन है, वहाँ उन्होंने विश्राम किया। विश्राम की हालत में उनको स्वप्न रूप में हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा, देखो हम यहाँ लेटे हुए हैं, हमारी सेवा पूजा नहीं होती है। महाराज जी उठे और जो समाज के आदमी थे 5-7 साधु, उनको बताया कि मैंने इस प्रकार से जो है सपना देखा है, यहाँ देखो कुछ है तो नहीं। तो प्रमोद वन में देखा कि झाड़ियों के नीचे हनुमान जी की प्रतिमा स्वयंभू जो है लेटे हुए थे। तो उन्होंने गांव से जो है पहले रथ जो होते थे हाथ से खींचने वाले हुआ करते थे, तो वो बताते हैं कि लेकर के आ रहे थे अपने स्थान की ओर, महाराज जी की आराधना जहाँ करते थे। तो फिर यहाँ से आगे बिठूर में उनका विचार हुआ कि यहाँ तो हनुमान जी हैं ही, हम बिठूर में क्यों ना इनकी स्थापना कर दें, वहाँ भी इनका स्थान था। तो जिस समय बिठूर की तरफ पगडंडी रास्ता थी आगे बढ़े, तो किसी कारण बस हनुमान जी आगे नहीं बढ़े। तो फिर उनको महाराज जी को सपना हुआ हम यहीं रहेंगे, तो जिस जगह हनुमान जी हैं उसी जगह उन्होंने वेद मंत्रों के द्वारा स्थापित कर दिया। वही 5-7 संत जो बताते हैं, हमने देखा तो नहीं, 500 साल हो गए, तो ऐसा लोग बताते चले आए। ये गायत्री स्वरूप हनुमान है, जिस समय अहिरावण जो है राम लक्ष्मण को चुरा ले जाता है पातालपुरी, तो उस समय वो जो आराध्य देवी थी वो उसकी गायत्री माँ थी। तो गायत्री माँ को राम लक्ष्मण को मारने के लिए अहिरावण तैयार हुआ, तो उसने गायत्री जी का आराधना किया और उसने जो है फल फूल से भोग लगाया, तो हनुमान जी वहाँ पहुँचे और देवी को रसातल भेजे। स्वयंभू गायत्री स्वरूप में आकर के खड़े होते हैं और कंदमूल फल इत्यादि जो भोग लगाता है उसको पान करते हैं। जिस समय वो खड्ग उठाता है उस समय हनुमान जी स्वयं अपने रूप में आकर के प्रकट होकर के उसका वध करते हैं। ये वो अलग। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि इनका दिन में 3 बार वो जो वो तो अनुभव करने से प्राप्त होता है। क्या है जरा बताइए। नहीं, अनुभव करने से आप सुबह से शाम तक बैठेंगे तो आपको खुद आभास होगा भक्ति भाव से कि हाँ इस समय भगवान इस स्वरूप में देख रहे हैं। विग्रह के 5 मुख हैं,
विविध मालाएं आ जाती हैं, मुकुट आ जाते हैं, श्रृंगार आ जाता है, इस वजह से इनके पांच मुख स्वरूप नहीं दिखते हैं। हमने गुजारिश की थी महंत जी से। अरे वाह, हाँ हनुमान जी का अच्छा, एक मुख अंदर है मुकुट के नीचे और दो उधर हैं, आंखें हैं जो फ्रंट पर है, किसके पीछे है जो बंद है। तुम्हारा जी ये श्रृंगार के बाद नजर नहीं आता है। हाँ। अच्छा। नजर क्या है, दर्शन नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि आपका ये संज्ञा मात्र प्रश्न है। हाँ। इसलिए ये पंचमुखी हनुमान जी हैं और पंचमुखी हनुमान जी ये देवी का स्वरूप है। कहानी ये है कि एक बार मंदिर बन रहा था। हाँ। तो जो ठेकेदार था इंजीनियर, उसको पैसा चाहिए रहा, पैसा आया नहीं, तो वो बैठे सोच रहा था, तो एक अपने आप देवी आई, उसको पैसा दे गई और उसने सोचा लाओ मंदिर से कुछ प्रसाद दे दें, तो जब तक प्रसाद लेने गया तब तक कुछ गायब हो गई और पैसा वहीं रखा रहा गोलक। ये है बाबा की महिमा। बंदर ये तो बाबा की सेना है, ये तो सेना आए तो जहाँ हनुमान जी की अच्छा। मूर्ति होगी वहाँ बंदर जरूर होगा। पंची का दिव्य शिखर, भव्य शिखर, यही प्रमुख मंदिर है और इसी के नीचे भगवान जी का विग्रह है। मंगलवार को बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, कदम रखने की जगह नहीं रहती है, इसलिए हम आपको ऊपरी हिस्से में लेके आए हैं। अच्छा, यहाँ मुंडन उंडन छेदन एदन वाला कार्यक्रम भी होता, बहुत भीड़ होती है। और लाइन लाइन गेट से लेके लाइन वहां तक लगती है जहाँ एंट्री करनी हो। पनकी मंदिर के गेट नंबर 1 से आप जब प्रमुख द्वार से एंट्री लेंगे तो शुरुआत में ही राइट हैंड साइड पे, मेरे राइट पे, बहुत बड़ा एक परिसर मिलेगा आपको खाली, जो कि यज्ञ मंडप वाला हिस्सा है। और इस हिस्से में शेल्टर नुमा इस स्ट्रक्चर के नीचे पांच यज्ञ के लिए स्थान बना हुआ है, और पीछे हनुमान जी की मूर्ति है और जो अंदर विराजमान है उनकी प्रतिमा है। यहाँ पर कथा पाठ यज्ञ जो भी प्रमुख पूजा पाठ होते हैं, यज्ञ होते हैं, वो मंदिर के इसी प्रांगण में होते हैं। तो ऐसा था पनकी के पवित्र पंचमुखी हनुमान से सफर और नजर। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, हिट द शेयर बटन, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो बात ही क्या। तब तक पनकी वाले बाबा की जय।